जिला लखीमपुर खीरी के ब्लॉक कुंभी ग्राम सभा मेन रोड पर जल भराव के कारण आए दिन सिसकना के ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपको बताते चलें कि ब्लॉक कुंभी की ग्राम सभा सिसोकन में प्रधान की लापरवाही के कारण मेन रोड पर जल भराव होने के कारण ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने बताया कि जो सिसोकन में मंगलगढ़ हाईवे पे मिली रोड पर वर्षा का पानी एकत्रित होकर भर जाता है। जब इस बात की जानकारी ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को दी तो ग्राम प्रधान द्वारा ये कहा गया कि चुनाव में तुम लोगों ने मुझको वोट नहीं दिया था, इसलिए उसी दशा में पड़े हो। फिर भी ग्रामीणों ने हार नहीं मानी। उप जिलाधिकारी गोला को प्रार्थना पत्र के माध्यम से सारी समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन ग्रामीणों का ये सफल प्रयास असफल रहा और उप जिलाधिकारी गोला को प्रार्थना पत्र देकर कचरे के डिब्बे ही में ही शोभा पड़ाने पहुंच गया। ग्रामीणों ने आला अधिकारियों से जल भराव से मुक्ति पाने के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि आने वाले तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर न्याय की गुहार लगाएंगे। न्याय न मिलने पर आने वाले चुनाव में भी हम ग्रामीणवासी वोट नहीं डालेंगे और लखीमपुर में मोहम्मदी जाने वाली रोड जाम करके एक बार अधिकारियों को जल भराव वाली रोड से निकलने की गुहार लगाएंगे। कहाँ से आ रहे हैं? ककरा से आ रहे हैं? पढ़ने के लिए गए थे? हाँ, पढ़ने के लिए गए थे। ये पानी से कैसे क्या निकलते हैं, क्या समस्याएं होती हैं? यहाँ से बड़ी दिक्कत होती है। अगर एक बार मैं जा रहा था बीच में चैन उतर गई तो मुझे उतरना पड़ा, मेरे जूते भीग गए थे। अच्छा, बहुत दिक्कत होती है। क्या किसी अधिकारी से आपने शिकायत की नहीं की? इस समय तो पेपर चल रहा होगा। नहीं, हम लोग कुछ नहीं कहते, मेरे पेपर चल रहे हैं। ठीक, मैं पेपर देने जाता हूँ। तिवारी, कहाँ के निवासी हो? यही के सिसोकन के। क्या समस्या जल भराव को लेकर आपको? भाई साहब, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। हम लोगों को निकलने में दिक्कत होती है, आए दिन लोग यहाँ पे गिरते हैं। हमारे पास में प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे गांव के बच्चे 20 बच्चे जाते हैं मुश्किल से पढ़ने के लिए, निकल नहीं पाते हैं। किसी को अगर खाद्य सामग्री लेने जाते हैं दुकान पर तो यहाँ तक आना मुश्किल है, उधर से लोग इधर नहीं आ पाते हैं। कई बहुत प्रकार की दिक्कतें हैं। क्या आपने इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत की हमने गोला SDM साहब के पास। क्या जवाब मिला? जवाब कुछ नहीं मिला। वहाँ से उन्होंने लिखा था CO साहब मोहम्मदी के लिए, वहाँ से कोई वो नहीं हुआ है, न कोई आया है। क्या कभी हादसे भी हुए इस जलाव? हादसे हुए भैया, यहाँ पे लोग गिरते हैं मोटरसाइकिल, जिन लोगों को नहीं पता यहाँ पे बहुत। सतीश तिवारी, क्या समस्या है जल भराव को लेकर? समस्या ये है सर, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा भरा है, बच्चे नहीं निकल पाते, औरतें नहीं निकल पाती हैं, ना कोई सामान लेने कहीं जा पाते, बाज़ार के लिए मार्केट नहीं जाने जा पाओ, ना सब्जी मिले, ना खाद तेल, कहीं कोई आना जाना सब निरस्त बंद है। ये आपकी दुकान कहाँ पर है? ये हमारी दुकान मेन रोड के करीब है। आपके दुकान के सामने जल भराव है? हमारी दुकान के सामने जल भराव है सर। तो यहाँ पर आपकी दुकान की बिक्री कैसे चलती है? बिक्री कुछ ना चल रही है, ऐसे टाइम काट रहे हैं, कहाँ के ले चले जाए, कहाँ करें, मजदूरी भी ना लग रही। क्या आपने किसी उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से? प्रधान जी से कहे, विधायक जी आए रहे गांव में, यहाँ विधायक जी आए, उनके पास समस्त हम पूरे गाँव वासी सब लोग जो प्रस्ताव रखे तो प्रधान देखिन है विधायक जी कि हाँ ये समस्या है। विधायक जी कहें एक हफ्ते में सही हो जाए, लेकिन आज 4 महीने हुए तब से वो यहाँ तक नहीं आए। क्या नाम है विधायक साहब? अरविंद गिरी। प्रधान का क्या नाम है? अनूप। कहाँ के निवासी हैं? जल भराव को लेकर क्या समस्या आपके गांव में आ रही है? बहुत दिक्कत हो रही है, ये निकलना मुश्किल है, बच्चे पढ़ने जाते हैं छोटे छोटे, उनको निकलने में बहुत दिक्कत होती है, हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, और पानी का कोई निकास नहीं है, कहाँ जाए। क्या आपने ग्राम प्रधान से इस बात की शिकायत की है? हाँ, ग्राम प्रधान से हमने शिकायत की है, उसने अपने हाथ खड़े कर लिए कि हमारे बच्चे काम नहीं है। क्या आपने किसी अधिकारी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचित किया? हाँ, SDM साहब को हमने प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने SO साहब को लिए लिखा, SO साहब को हमने दिया, उन्होंने कोई यहाँ निरीक्षण नहीं किया। कोई भी अधिकारी यहाँ पर आए नहीं? कोई नहीं आया। क्या कोई हादसे भी हुए हैं? आए दिन लोग यहाँ पे गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिलें गिरती हैं पानी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।